हेलो जी, कि वे वो सारे होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। तो भाई अभी एक छोटी सी क्लिप है आगे आप ऐड की है मैंने, आप उसे देखना। उसमें क्या है, एक छोटी सी बच्ची है, उसका अनप्राशन था जो कि हर छः महीने नहीं मतलब कि जब 6 महीने हो जाता है छोटे बच्चों का तो मनाया जाता है। तो आप क्लिप देखिएगा। भाई ये जो अन्नप्राशन की जो रस्म होती है ये भारत में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा मनाई जाती है। और भारत में ये केरल आपका हो गया, केरल में भी काफ़ी फेमस है ये। इसमें क्या होता है, जो छोटा बच्चा है फिर बच्ची होती है वो अपना जो अनाज होता है उसको खाना शुरू करते हैं, मतलब पहला अनाज इस दिन वो अपने मुंह में डालते हैं। 6 महीने उठाए। भाई जो अन्नप्राशन की जो रस्म होती है, जब जो बच्चा या फिर बच्ची होती है वो 6 महीने का हो जाता है, तो 7वें या फिर 8वें महीने में, 6 महीने के बाद आप कभी भी करा सकते हो। ये लो, ये लो। थोड़ा सा नमक इसमें क्या होता है, ठोस आहार रखे जाते हैं, जैसे कि आपने देखा है व्लॉग में अभी कि बच्चे के सामने इतने सारे आहार, इतने सारे पदार्थ रखे हुए हैं खाने के। इससे क्या होता है, ये रस्म इसलिए मनाई जाती है ताकि जो बच्चा है फिर बच्ची है वो खुश रहे और खुशहाल जीवन वो जी सके। रसम केरल में भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। केरल में क्या होता है, ये रसम मंदिर में मनाई जाती है और इसे आप घर पे भी मना सकते हैं और मंदिर में मना सकते हैं, तो इस रसम की एक काफ़ी खास बात है। बाकी आजकल के मॉडर्न ज़माने में ये जो रस्म है ये काफ़ी कम हो गई है, बट अभी भी भारत में ये जो रस्म है काफ़ी पॉपुलर है बहुत जगह पे। बस हाँ, मॉडर्न जो सोसाइटी हो गई उसमें थोड़ा कम हो गया, इतना कोई ध्यान नहीं देता आजकल, बट हाँ ये रस्म मनानी चाहिए, काफ़ी अच्छी है। तो होप करता हूँ गाइज आपको व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे ताकि आपको ऐसी व्लॉग हमारे चैनल पे देखने को मिले। तो और वो घंटा जो है, घंटा ज़रूर दबा देना, इतनी जोर की चाहे उस पर हाथ मारो, जो मारना मुक्का मार देना, फोड़ देना, लेकिन उसको ज़रूर दबा देना, ठीक है, ताकि जो भी व्लॉग अपलोड हो आपको देखने को मिले। बाय, टेक केयर।